जनपद इटावा में मिक्स राजरा ग्रुप ने होली मिलन समारोह में वृद्ध जनों का सम्मान किया एवं मतदान करने की शपथ भी दिलाई। मिक्स राजरा ग्रुप द्वारा पुलवामा हमले के बाद पहला त्यौहार होने के कारण एक सादा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्रुप के संस्थापक संजय आनंद एवं डायरेक्टर सत्यम कुलशेठ ने वरिष्ठ नागरिकों को वस्त्र एवं मिठाई देकर उनका सम्मान किया तथा गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रशांत यादव ने सरस्वती नृत्य करके सभी को स्वागत किया। वही ग्रुप के डायरेक्टर सत्यम कुलशेठ ने सभी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी एवं कहा कि सभी लोग आगामी लोकतंत्र की होली में जमकर मतदान करें, जिससे अपना इटावा मध्य प्रतिशत में सर्वोपरि हो सके। वहीं इस मौके पर शुभम यादव, अमित कुलशेष सिप्रा आदि लोग उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मसरूर खान के साथ मोहम्मद इदरीस की रिपोर्ट, इटावा। जनपद कन्नौज के थाना सौरिक क्षेत्र के खजनी चौकी में लगने वाले गांव फुलवरिया में एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें बंधित दो जानवर, एक गाय और एक भैंस की जलने से मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे खजनी चौकी प्रभारी मुकेश राणा को ग्रामीणों ने बताया कि जिसकी झोपड़ी थी उसी ने आग लगाई है, किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए यह काम किया गया है। वहीं जिस व्यक्ति ने झोपड़ी में आग लगा दी वह नशे का आदी है, वह चोरी भी करता है, जिसको चोरी करते हुए कई बार लोगों ने पकड़ा भी है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। ये जो आग लगाई है वो किसने कैसे लगी है? ये सब खुद की लगाई, खुद लगाई साहब। और इसमें नुकसान क्या क्या हुआ है? एक गाय जल गई, एक भैंस जल गई। और कोई नुकसान हुआ है? मड़ैया थी, झोपड़ी थी, झोपड़ी। आपका शुभ नाम? श्री दीनदयाल। गांव का नाम? फुलरिया। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री रामचंद्र। तो चौकी थाने से या चौकी को आया? एसओ साहब आए, थानों से चौकी दरोगा जी आए और उन्होंने कार्रवाई चालू की है। हाँ, कार्रवाई चालू की है। जिसने आग लगाई वो कहाँ है? वो पकड़ गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। लखीमपुर खीरी में विधायक सदर पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त पिंकू सक्सेना को गिरफ्तार किया गया। जी आपको बता दें कि 21 मार्च को विधायक सदर पर फायरिंग की घटना थी, जिसके संबंध में कोतवाली सदर पर मुकदमा आधार संख्या 334/19, धारा 307, 504, 506, भादोईवा 7 दंडविध संशोधन अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है, जिसके मुख्य आरोपी पिंकू सक्सेना उर्फ पिंकी पुत्र दिनेश सक्सेना निवासी मोहल्ला भुईफोड़ वारनाथ मेला मैदान गढ़ी रोड कोतवाली सदर खीरी को दिनांक 22 मार्च को कोतवाली सदर पुलिस द्वारा नेपाल भागने इरादे से पलिया बस अड्डे से घटना में प्रयोग एक अदद अवैध तमंचा व 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।